आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरे में बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सभी तरह का मानसिक समस्या जो है, सभी तरह की, उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और इसमें हम काम करते हैं। तो आइए, वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अब ये लेडी आपको बताने वाला हूँ, उसको तो मानसिक बीमारी करके हमारे पास में लाया, मगर एक्चुअली उसको थी थायराइड की बीमारी। तो देखिए ये क्या बोलती है, तो जरा इनका इंटरव्यू और उनके रिलेटिव का इंटरव्यू देखेंगे। आज ये जो महिला है ना, इनको करीब करीब 2-3 साल से मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी में ऐसा है कि डर लगना, फिर शक करना, कोई अपने पीछे लगा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, लोग अपना पीछा कर रहे हैं, लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं ऐसा, और श्वास, हाँ सिर में सिलका आते थे, और हाँ श्वास जो है ना, सांस भर के आता था, और डायबिटीज भी था, डायबिटीज भी है, थायराइड, फिर थायराइड की बीमारी तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ इनके आंख पे पूरी सूजन थी, पूरा सूजन आ गई थी, मतलब इतनी सूजन थी कि आंखें भी नहीं दिख रही थी, इनकी सूजन थी। अभी भी थोड़ी सूजन बाकी है, तो देखिए नजदीक से देखो, ये देखिए अभी थोड़ी सूजन बाकी है, चेहरे की थोड़ी सूजन है, बड़बड़ भी करती और बड़बड़ करती थी, संशय शक था बहुत, शक अभी भी ले। और फिर उनको जब यहाँ लाया तो काफी जब इन्होंने इलाज किया, और इलाज करने पे साइकियाट्रिक लोगों ने उनको शक के लिए दवाई दिया, मगर हमने जब इनको देखा कि इनके आगे सूजन है और इनको थायराइड की बीमारी हो सकती है, तो फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनको लगा कि इनको थायराइड की कमी है, मिक्सीडिमा जिसको बोलते हैं, और मिक्सीडिमा से इनको यह मानसिक बीमारी हो गई थी। तो फिर आंग में सूजन, फिर चमड़ी के ऊपर चट्टे, चमड़ी को खुजली आना, भूख नहीं लगना, आवाज़ जो है ना वो ऐसा, हाँ घबराहट होना, आवाज़ ऐसा खरखर आ रहा था, और ऐसे काफ़ी सारे लक्षण थे। तभी इनको नींद भी आ रही है, अभी हमने उनको थायराइड की गोली देना चालू कर दिया है, अभी अच्छी नींद भी आती है। बताइए अभी कैसा लग रहा है? तो नींद आती है, खाना खाती है, अभी आराम भी करती है, हाँ अभी शक भी अभी है थोड़ा, बाकी बड़बड़ कर रहा बाकी है उनका, हाँ बड़बड़ भी कर रही है थोड़ा, और शक भी है, तभी उसका भी इलाज भी चालू रखना। और अभी कितना आराम है, अभी आराम भी है, जब आए तब से भी काफी आराम है, है ना, बहुत आराम है, काफी है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू मिक्सीडिमा, ये होता है, मतलब मिक्सीडिमा मतलब थायराइड की कमी होना, और उसकी वजह से साइकेट्रिक मानिए मानसिक समस्या आ जाना, ये काफी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किया। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यदि शेयर करोगे तो लोगों को एक साइको एजुकेशन हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होंगी, और लोग अपना अपना इलाज अपने अपने जगह पे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं, कि जहाँ लोग हमको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके काउंसिलिंग कंसल्टेशन ये करते हैं, और ऑनलाइन लोगों का काउंसिलिंग करके हम इलाज भी करते हैं। तो आप ये ज़रूर ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जो घंटी आती है ना, बेल का आइकॉन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।